नमस्ते। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्री अश्विनी वैष्णव जी, श्री राजीव चंद्रशेखर जी, अलग अलग राज्यों से जुड़े सभी प्रतिनिधि, डिजिटल इंडिया के सभी लाभार्थी, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री से जुड़े सभी साथी, एक्सपर्ट्स, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, देवी और सज्जनों, आज का ये कार्यक्रम 21वीं सदी में निरंतर आधुनिक होते भारत की एक झलक लेकर आया है। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल पूरी मानवता के लिए कितना क्रांतिकारी है, इसका उदाहरण भारत ने डिजिटल इंडिया अभियान के तौर पर पूरे विश्व के सामने रखा है। मुझे खुशी है कि 8 वर्ष पहले शुरू हुआ यह अभियान बदलते हुए समय के साथ खुद को विस्तार दे रहा है। हर साल डिजिटल इंडिया अभियान में नए आयाम जुड़े हैं, नई टेक्नोलॉजी का समावेश हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में जो नए प्लेटफॉर्म, नए प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं, वो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आपने छोटी छोटी वीडियो में देखा, माई स्कीम हो, भाषिणी भाषा दान हो, डिजिटल इंडिया जेनेसिस हो, चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम हो, या बाकी सारे प्रोडक्ट्स, ये सारे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती देने वाले हैं। विशेष तौर पर इनका बड़ा लाभ भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को होगा। साथियों, समय के साथ जो देश आधुनिक टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाता, समय उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। और वो वहीं का वहीं रह जाता है। तीसरी औद्योगिक क्रांति के समय भारत इसका भुक्तभोगी रहा है, लेकिन आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्री 4.0, आज भारत गर्व से कह सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया को दिशा दे रहा है। और मुझे इस बात की दोहरी खुशी है कि गुजरात ने इसमें भी एक तरह से पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई है। थोड़ी देर पहले यहां डिजिटल गवर्नेंस को लेकर गुजरात के बीते डेढ़ दशकों के अनुभवों को दिखाया गया है। गुजरात देश का पहला राज्य था जहां गुजरात स्टेट डेटा सेंटर,
जीएसडीसी, गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क जी स्वान, ई ग्राम सेंटर्स और एटीवीटी जनसेवा केंद्र जैसे पिलर्स खड़े किए गए। सूरत बारडोली नी पासे आपड़े ज्या सुभाष बाबू कांग्रेस ना अध्यक्ष बन्या था त्या सुभाष बाबू नी याद में एक कार्यक्रम कर्यो हतो अने ई ग्राम विश्व ग्राम नू लॉन्चिंग कर्यु हतु ए वखते। गुजरात के अनुभवों ने 2014 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर टेक्नोलॉजी को गवर्नेंस का व्यापक हिस्सा बनाने में बहुत मदद की है। धन्यवाद गुजरात। यही अनुभव डिजिटल इंडिया मिशन का आधार बने। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि इन 7-8 सालों में डिजिटल इंडिया ने हमारा जीवन कितना आसान बना दिया है। 21वीं सदी में जिनका जन्म हुआ है, जो हमारी युवा पीढ़ी है जिसका जन्म 21वीं सदी में हुआ है, उनके लिए तो आज डिजिटल लाइफ बहुत कूल लगती है, फैशन स्टेटमेंट लगता है उनको। लेकिन सिर्फ 8-10 साल पहले की स्थितियों को याद कीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लाइन, बिल जमा करना है तो लाइन, राशन के लिए लाइन, एडमिशन के लिए लाइन, रिजल्ट और सर्टिफिकेट लिए के लिए भी लाइन, बैंकों में लाइन, इतनी सारी लाइनों का समाधान भारत ने ऑनलाइन होकर कर दिया। आज जन्म प्रमाण पत्र से लेकर सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक की पहचान देने वाले जीवन प्रमाण पत्र तक सरकार की अधिकतर सेवाएं डिजिटल है। वरना पहले सीनियर सिटीजन को, खास करके पेंशनर को, जाकर के कहना पड़ता था कि मैं जिंदा हूं। जिन कामों के लिए कभी कई कई दिन लग जाते थे वो आज कुछ पलों में हो जाते हैं। साथियों, आज डिजिटल गवर्नेंस का एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में है। जनधन, मोबाइल और आधार, जेम, JAM, ये इसकी जो त्रिशक्ति का देश के गरीब और मिडिल क्लास को सबसे अधिक लाभ हुआ है, इससे जो सुविधा मिली है और जो पारदर्शिता आई है, उससे देश के करोड़ों परिवारों का पैसा बच रहा है। 8 साल पहले इंटरनेट डेटा के लिए जितना पैसा खर्च करना पड़ता था, उससे कई गुना कम, यानी एक प्रकार से नगण्य, उस कीमत में आज उससे भी बेहतर डेटा सुविधा मिल रही है। पहले बिल भरने के लिए, कहीं एप्लीकेशन देने के लिए, रिजर्वेशन के लिए, बैंक से जुड़े काम हो, ऐसी हर सेवा के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। रेलवे का आरक्षण करवाना हो और गांव में रहता हो तो बेचारा है पूरा दिन खपा करके शहर में आता था, 100-150 रुपया बस का किराया खर्चा करता था और फिर लाइन में लगता था रेलवे आरक्षण के लिए।
आज वो कॉमन सर्विस सेंटर पे जाता है और वहीं से उसको ये मेरी कॉमन सर्विस सेंटर वाली फोन दिखती है और वहीं से उसका काम हो जाता है, गांव में ही हो जाता है और गांव वालों को भी पता है कि हाँ ये व्यवस्था है। इसमें भी किराए भाड़े आना जाना दिन लगाना सभी खर्चों में कटौती आई है। गरीब मेहनत मजदूरी करने वालों के लिए तो ये बचत और भी बड़ी है क्योंकि उनका पूरा दिन बच जाता है। और कभी कभी हम सुनते थे ना टाइम इज मनी, सुनने और कहने में तो अच्छा लगता है लेकिन जब उसका अनुभव सुनते हैं तो दिल को छू जाता है। मैं अभी काशी गया था तो काशी में रात को, दिन में तो इधर उधर जाता हूँ तो ट्रैफिक और लोगों को परेशानी, तो फिर मैं रात को 1-1.30 बजे रेलवे प्लेटफॉर्म पर चला गया देखने के लिए भाई कहाँ क्या हाल है, क्यों वहाँ के एमपी हूँ तो काम तो करना है। तो मैं वहाँ पैसेंजरों से बात कर रहा था, स्टेशन मास्टर से बात कर रहा था क्योंकि मेरा सरप्राइज विजिट था, कोई बता के तो गया नहीं था। तो मैंने कहा भाई ये जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है क्या अनुभव है, और ऑक्यूपेंसी कैसे रहते। अरे बोले साहब इतनी उसकी मांग है कि हमें कम पड़ रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो थोड़ी ट्रेन महंगी है, इसकी टिकट ज़्यादा लगती है, इसमें लोग क्यों जाते हैं। बोले साहब इसमें मजदूर लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं, गरीब लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं। मैंने कहा कैसे भाई, मेरे लिए सरप्राइज था। बोले वो दो कारण बताते हैं, एक बोले वंदे भारत ट्रेन में स्पेस इतनी है कि सामान उठा के लेके जाते हैं तो रखने की जगह मिल जाती है, गरीब का अपना एक हिसाब है, और दूसरा समय जाने में 6-8 घंटे बढ़ जाता है तो वहां तुरंत काम पे लग जाता हूं तो 6-8 घंटे में जो कमाई होती है टिकट तो उससे भी कम में लग जाती है। टाइम इज मनी, कैसे गरीब हिसाब लगाता है, बहुत पढ़े लिखे लोगों की इसकी समझ बहुत कम होती है। साथियों ई संजीवनी जैसी टेली कंसल्टेशन की जो सेवा शुरू हुई है, मोबाइल फोन से बड़े बड़े अस्पताल बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ प्राइमरी सारी चीजें पूरी हो जाती है, और इसके माध्यम से अब तक 3 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने घर में बैठे ही अपने मोबाइल से अच्छे अस्पताल में अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट किया है। अगर उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता तो आप कल्पना कर सकते हैं कितनी कठिनाइयां होती, कितना खर्चा होता। ये सारी चीजें डिजिटल इंडिया सेवा के कारण जरूरत नहीं पड़ी। साथियों सबसे बड़ी बात जो पारदर्शिता इससे आई है, उसने गरीब और मध्यम वर्ग को अनेक स्तरों पर चलने वाले भ्रष्टाचार से मुक्ति दी है। हमने वो समय देखा है जब बिना घूस दिए कोई भी सुविधा लेना मुश्किल था। डिजिटल इंडिया ने सामान्य परिवार का ये पैसा भी बचाया है। डिजिटल इंडिया बिचौलियों के नेटवर्क को भी समाप्त कर रहा है। अने मने तो याद छे एक बार विधानसभा में चर्चा थयेली, अने आजे चर्चा ने याद करूं तो मने आश्चर्य था कि आवी बधी बात विधानसभा में थती थी। केटलाक पत्रकारों जेन शोधशे हवे शोधी काढशे बधुं। विषय एवो हतो कि जे विधवा पेन्शन मळे छे, तो ए वक्ते मैं कहूं कि आपणे एक काम करो भाई, पोस्ट ऑफिस में खाता खोलावी दो अने त्यां एमनो फोटो होय अने आ बधी व्यवस्था होय,
અને પોસ્ટ ઓફિસમાં જઈને એ જે વિધવા બહેન હોય એને પેન્શન મળી જાય. હોબાળો મચી ગયો, તોફાન મચી ગયું. મોદી સાહેબ તમે શું લાયા છો, વિધવા બહેન ઘરની બહાર નીકળે કેવી રીતે, એ બેંકમાં જાય પોસ્ટ ઓફિસમાં જાય કેવી રીતે, એને પૈસા લે કેવી રીતે, બધું જાત જાત ભાષણ તો અમે વાંચો તો બધું મજા આવે એવું બધું બોલ્યા છે. મેં કહ્યું ભાઈ મારે તો આ રસ્તે જવું છે, હવે તમે મદદ કરો તો સારું. ના કરી મદદ, પણ આપણે ગયા, કારણ જનતાએ મદદ કરી છે ને. પણ આ તોફાન શું કરવા મચાવતા હતા સાહેબ, એમને વિધવાની ચિંતા નહોતી. જ્યારે અમે પોસ્ટ ઓફિસમાં ફોટો પહેચાન આ બધી વ્યવસ્થા ઊભી કરી ત્યારે તો આ ડિજિટલની દુનિયા એટલી બધી પહોંચી નહોતી. તમને આશ્ચર્ય થશે, સેંકડો વિધવા એવી મળી કે જે દીકરીનો જન્મ જ નહોતો થયો ને વિધવા થઈ ગઈ હતી ને પેન્શન જતું હતું. હવે આ કોના ખાતામાં જતું હશે તમને ખબર પડી હશે. એટલે કાગા રોડ થાય કે ના થાય, આવા બધા બુચબન કરી દઈએ એટલે તકલીફ તો પડે ને ભાઈ. આજે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર કે માધ્યમ સે બીતે 8 સાલ મેં 23 લાખ કરોડ રૂપિયા સે અધિક સીધે લાભાર્થીઓ કે બેંક ખાતે મેં ભેજે ગયે હૈ. ઇસ ટેકનોલોજી કી વજહ સે દેશ કે 2,23,000 કરોડ રૂપિયે અને કરીબ કરીબ 2.25 લાખ કરોડ રૂપિયે જો કિસી ઓર કે હાથ મેં ગલત હાથ મેં જાતે થે વો બચ ગયે હૈ દોસ્તો. સાથીઓ, ડિજિટલ ઇન્ડિયા અભિયાન ને જો એક બહુ બડા કામ કિયા હૈ વો હૈ શહેર ઓર ગાંવ કે બીચ કી ખાઈ કો કમ કરના. હમે યાદ હોગા શહેર મેં તો ફિર ભી કુછ સુવિધા થી, ગાંવો કે લોગો કે લીએ તો હાલત ઓર ભી મુશ્કિલ ભરે થે. ગાંવ ઓર શહેર કી ખાઈ ભરેગી ઇસકી ભી કોઈ કલ્પના ભી નહીં કર સકતા થા. ગાંવ મેં છોટી સે છોટી સુવિધા કે લીએ ભી આપકો બ્લોક તહેસીલા જિલ્લા હેડક્વાર્ટર કે દફતરો કે ચક્કર લગાને પડતે થે. એસી સારી મુશ્કિલો કો ભી ડિજિટલ ઇન્ડિયા અભિયાન ને આસાન બનાયા હૈ ઓર સરકાર કો નાગરિક કે દ્વાર પર ઉસકે ગાંવ ઘર ઓર ઉસકી હથેલી મેં ફોન પર લાકર ખડા કર દિયા હૈ. ગાંવ મેં સેંકડો સરકારી સેવાએ ડિજિટલી દેને કે લીએ પિછલે 8 વર્ષ મેં 4 લાખ સે અધિક નયે કોમન સર્વિસ સેન્ટર જોડે જા ચુકે હૈ. આજ ગામ કે લોગ ઇન કેન્દ્રો સે ડિજિટલ ઇન્ડિયા કા લાભ લે રહે હૈ. મેં પિછલે દિનો ત્યાં દાહોદ આવ્યો હતો તો દાહોદમાં બધા મારા આદિવાસી ભાઈ બહેનોને મળવાનું થયું. તો એમાં એક દિવ્યાંગ કપલ હતું, 30-32 વર્ષની ઉંમર હશે. એણે મુદ્રા યોજનામાંથી પૈસા લીધા, કોમ્પ્યુટરનું થોડું બધું શીખ્યા અને પતિ પત્નીએ કોમન સર્વિસ સેન્ટર શરૂ કર્યું દાહોદના આદિવાસી જિલ્લાના એક નાના ગામડામાં. એ ભાઈ અને એમના પત્ની મને મળ્યા. એ મને કહે સાહેબ મારું એવરેજ 28,000 રૂપિયાની આવક છે, ગામડામાં લોકો હવે મારે ત્યાં જ સેવા લે છે. ડિજિટલ ઇન્ડિયાની તાકાત જુઓ ભાઈ, 1.25 લાખ સે અધિક કોમન સર્વિસ સેન્ટર, ગ્રામીણ સ્ટોર, અબ ઈ કોમર્સ કો ભી ગ્રામીણ ભારત તક લે જા રહે હૈ. એક બીજો અનુભવ, વ્યવસ્થાઓનો કેવી રીતે લાભ લેવાય. મને યાદ છે જ્યારે હું અહીંયા ગુજરાતમાં હતો
तो खेडूतों ने बिजली बिल भरवा माटे तकलीफ पड़ती थी, एना पैसा लेवानी जगह 800 के 900 होती, मोड़ो पड़े એટલે નિયમ પ્રમાણે બિજળી કનેક્શન કપાઈ જાય, કપાઈ જાય ફરી કનેક્શન લેવું, બીજું પાછું પેમેન્ટ કરવું પડે. આપણે ભારત સરકારને એ વખતે વિનંતી કરી, અટલજીની સરકાર હતી, અટલજીને મેં વિનંતી કરી કે સાહેબ આ પોસ્ટ ઓફિસમાં લેવાનું મન ચાલુ કરી આપો ને, વીજળીનું બિલ અમારા ખેડૂતનું પોસ્ટ ઓફિસવાળા લે એટલું કરી આપો. અટલજીએ મારી વાત માની અને ગુજરાતમાં ખેડૂતોને વીજળીની તકલીફમાંથી મુક્તિ મળી ગઈ હતી. વ્યવસ્થાઓ ઉપયોગ કેમ કરાય એવો હમણાં એક પ્રયોગ મેં દિલ્હીમાં ગયા પછી કર્યો, આદત તો જાય નહીં. કારણ કે આપણે અમદાવાદી સિંગલ ફેર ડબલ જર્ની વાળો ઉઠી પડેલી, એટલે આપણે રેલવેની પોતાનું વાઇફાઈ બહુ સ્ટ્રોંગ નેટવર્ક છે. એટલે એ વખતે અમારા રેલવેના મિત્રોને કહ્યું, આ 2019ની ચૂંટણી પહેલાંની વાત છે, મેં એમને કહ્યું કે ભાઈ રેલવેના જે પ્લેટફોર્મ છે એના પર વાઇફાઈ મફત કરી દો અને આજુબાજુના ગામડાના બાળકોને ત્યાંને ભણવું હોય તો એ આવે, એને વાઇફાઈ મફત મળે, એને કનેક્ટિવિટી મળી જાય અને જે વાંચવું હોય ભણવું હોય ભણે. તમને આશ્ચર્ય થશે, હું એકવાર વર્ચ્યુઅલી કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાત કરતો હતો, અનેક લોકો કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી રેલવે પ્લેટફોર્મ પર મફત વાઇફાઈથી કરતા હતા અને પાસ થતા હતા. કોચિંગ ક્લાસમાં જવાનું નહીં, ખર્ચા કરવાના નહીં, ઘર છોડવાનું નહીં, હાથ પડે બાના હાથનો રોટલો ખાવા મળે અને ભણવાનું. રેલવેના પ્લેટફોર્મ પરનો ઉપયોગ ડિજિટલ ઇન્ડિયાની તાકાત જુઓ દોસ્તો. પીએમ સ્વામિત્વ યોજના, શાયદ શહેર કે બહુ કમ લોકો કા ઇસ પર ધ્યાન ગયા હૈ. પહેલી બાર શહેરો કી તરહ ગાંવ કે ઘરો કા મેપિંગ ઓર ડિજિટલ લીગલ ડોક્યુમેન્ટ ગ્રામીણ કો દેને કા કામ ચલ રહા હૈ. ડ્રોન ગાંવ કે અંદર જા કર કે હર ઘર કા ઉપર સે મેપિંગ કરતા હૈ, મેપ બનાતા હૈ, વો કન્વિન્સ હોતા હૈ, ઉસકો સર્ટિફિકેટ મિલતા હૈ, अब उसके कोर्ट कचहरी के सारे झंझट बंद. ये है डिजिटल इंडिया की ताकत. डिजिटल इंडिया अभियान ने देश में बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बनाए हैं. साथियों, डिजिटल इंडिया का एक बहुत ही संवेदनशील पहलू भी है, उसकी उतनी चर्चा शायद बहुत ज्यादा होती नहीं है. डिजिटल इंडिया ने खोए हुए अनेक बच्चों को कैसे अपने परिवार तक वापस पहुंचाया, ये जानकर के आपके हृदय को छू जाएगा दोस्तों. अभी मैं और मेरा तो आपसे आग्रह है, जो यहाँ डिजिटल का एग्जीबिशन लगाया आप जरूर देखिए, आप तो देखिए अपने बच्चों को लेकर के दोबारा आइए, कैसे दुनिया बदल रही है वहां जाकर के देखोगे तो पता चलेगा. मुझे वहां अभी एक बिटिया से मिलना हुआ, वो बेटी 6 साल की थी तो अपने परिवार से बिछुड़ गई, रेलवे प्लेटफॉर्म पर माँ का हाथ छूट गया, वो किसी और ट्रेन में बैठ गई. माता पिता के बारे में कुछ पता नहीं, न गाँव का कुछ पता, न कुछ बता पा रही थी, कभी इस संस्था में कभी उस संस्था में अपना जीवन बिताती थी. अभी मुझे अभी यह मिलना हुआ है, उत्तर प्रदेश की है बेटी. उसके परिवार ने खोजने की कोशिश की, पुलिस में भी सब चीजें दर्ज करवाई, लेकिन कोई रास्ता निकला नहीं. अब उसको आधार के डेटा के साथ उसको मदद मिल गई. जिस संस्था में गई वहां आधार वाले पहुंचे थे, आधार कार्ड नहीं तो उसका तो आधार कार्ड निकला हुआ था, तो उसके कारण पता चला वो किस गांव की है, कहां की है, उसको खोज निकाला. और 14 साल की उम्र हुई, उसके माँ बाप को, उसके माता जीवित थी, उसके माँ को मुक्त कर दिया. और आज मुझे वो बेटी मिली, बोले मैं अपने परिवार में रह रही हूँ, मेरी माँ के पास, मेरे मामा के पास रहती हूँ. उस बच्ची का आधार बायोमेट्रिक जब लिया गया
डिजिटल टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की ताकत थी कि आज वो बच्ची अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी जी रही है, अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने गांव में कोशिश कर रही है। आपको भी जानकर के अच्छा लगेगा और मेरी जानकारी है, ऐसे अनेक स्थानों से 500 से अधिक बच्चे इस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने मां बाप तक वापस पहुंचे हैं। साथियों, बीते 8 वर्षों में डिजिटल इंडिया ने देश में जो सामर्थ्य पैदा किया, उसने कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला करने में भारत की बहुत मदद की है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर डिजिटल इंडिया अभियान नहीं होता तो 100 साल में आए ये सबसे बड़े संकट के समय देश में हम क्या कर पाते हैं? हमने देश की करोड़ों महिला, किसानों, मजदूरों, उनके बैंक अकाउंट में एक क्लिक करके हजारों करोड़ रुपये उनके हम पहुंचा दिए, उनको जीने की कोई तकलीफ नहीं। वन नेशन वन राशन कार्ड की मदद से हमने 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया। ये टेक्नोलॉजी की कमाल है। हमने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एफिशिएंट कोविड वैक्सीनेशन और कोविड रिलीफ प्रोग्राम चलाया। आरोग्य सेतु और कोविन ये ऐसे प्लेटफॉर्म है कि उसके माध्यम से अब तक करीब करीब 200 करोड़ वैक्सीन डोज, उसका पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है। कौन रह गया, कहां रह गया, उसकी जानकारी उसके माध्यम से प्राप्त होती है और हम टारगेटेड व्यक्ति को वैक्सीनेशन का काम कर पा रहे हैं। दुनिया में आज भी चर्चा है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट कैसे लेना, कई दिन निकल जाते हैं। हिंदुस्तान में वो वैक्सीन लगा करके बाहर निकलता है, इसके मोबाइल वॉलेट पर सर्टिफिकेट मौजूद है। दुनिया कोविन के द्वारा वैक्सीनेशन का डिटेल सर्टिफिकेट की जानकारी की चर्चा कर रहा है, हिंदुस्तान में कुछ लोग, उनका कांटा इसी बात पर अटक गया, इस पर मोदी की फूक उनका दुकान वही अटक गया। साथियों, भारत का डिजिटल फिनटेक सॉल्यूशन, और आज युग फिनटेक का है, इसके विषय में भी मैं कहूंगा। कभी पार्लियामेंट के अंदर एक बार चर्चा हुई है, वो सुन देख लेना, जिसमें देश के भूतपूर्व वित्त मंत्री जी भाषण कर रहे हैं कि लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है, लोग डिजिटल कैसे करेंगे, पता नहीं क्या क्या वो बोले हैं। आप सुनोगे तो आपको आश्चर्य होगा, ये बहुत पढ़े लिखे लोगों का यही तो हाल होता है जी। फिनटेक UPI यानि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आज पूरी दुनिया इसको आकर्षित हो रही है। वर्ल्ड बैंक समेत सबने ये उत्तम से उत्तम प्लेटफॉर्म के रूप में उसकी सराहना की है। और मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ एक प्रदर्शनी में एक पूरा फिनटेक डिवीजन है, ये कैसे काम करते हैं उसका आपको वहां देखने को मिलेगा। किस प्रकार से मोबाइल फोन पर पेमेंट होते हैं, कैसे पैसे आते हैं जाते हैं, सारा वैसे आपको यहां देखने को मिलेगा। और मैं कहता हूं, ये फिनटेक का जो प्रयास हुआ है, ये सही मायने में बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, इसका उत्तम से उत्तम समाधान है। इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो भारत की अपनी है, यानी बाय द पीपल। देशवासियों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया, यानी ऑफ द पीपल। इसने देशवासियों के लेन देन को आसान बनाया, यानी फॉर द पीपल। इसी वर्ष मई के महीने में भारत ने हर मिनट, गर्व करेंगे दोस्तों आप, भारत ने हर मिनट में 1,30,000 से अधिक UPI ट्रांजेक्शन हुए हैं।
हर सेकंड औसतन 2,200 ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुए प्रति सेकंड। यानी अभी जो मैं आपसे भाषण कर रहा हूं, जब तक मैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इतने शब्द बोलता हूं, इतने समय में यूपीआई से 7,000 ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। मैं जो दो शब्द बोल रहा हूं इतने समय में, ये काम आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से हो रहा है। और साथियों, आपको गर्व होगा, भारत के कोई कहता है अनपढ़ है, टिकना है, फलाना है, ये है, वो है, पता सो बताता है। वो देश की ताकत देखिए, मेरे देशवासियों की ताकत देखिए, दुनिया के समृद्ध देश, उनके सामने मेरा देश जो डेवलपिंग कंट्री की दुनिया में है, दुनिया का 40% डिजिटल लेन देन हमारे हिंदुस्तान में होता है दोस्तों। इसमें भीम यूपीआई आज सरल डिजिटल ट्रांजैक्शन का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। और सबसे बड़ी बात, आज किसी मॉल के भीतर बड़े बड़े ब्रांड्स बेचने वाले के पास ट्रांजैक्शन की जो टेक्नोलॉजी है, वही टेक्नोलॉजी आज उसके सामने रेहड़ी पटरी वाला और ठेला वालों बैठो है ना, आप फुटपाथ पर 700-800 रुपया कमाते हो, ऐसा मेहनत कश मजदूर के पास भी वही व्यवस्था है जो बड़े बड़े मॉल में अमीरों के पास है। वरना वो दिन भी हमने देखे हैं जब बड़ी बड़ी दुकानों में क्रेडिट और डेबिट कार्ड चलते थे और रेहड़ी ठेले वाला साथी ग्राहक के लिए छूटे पैसे की तलाश में ही रहता था। और अभी तो मैं देख रहा था, एक दिन बिहार का कोई प्लेटफॉर्म पर कोई भिक्षा मांग रहा था, तो वो डिजिटल पैसे लेता था वो अपना क्यूआर कोड बताता था। अब देखिए भाई, दोनों हर एक के पास, अमीर हो या गरीब हो, गांव का हो या शहर हो, हर एक के पास समान शक्ति है। यही डिजिटल इंडिया की ताकत है। इसलिए आज दुनिया के विकसित देशों या फिर वो देश जो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उनके लिए यूपीआई जैसे भारत के डिजिटल प्रोडक्ट आज आकर्षण का केंद्र है। हमारे डिजिटल सॉल्यूशंस में स्केल भी है, ये सिक्योर भी है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी है। हमारा ये जो गिफ्ट सिटी का काम है ना, मेरे शब्द लिख के रखिए दोस्तों, और मेरा 2005 या 6 का भाषण है वो भी सुन लीजिए। उस समय जो मैंने कहा था कि गिफ्ट सिटी में क्या क्या होने वाला है, आज वो धरती पर उतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में फिनटेक की दुनिया में, डेटा सिक्योरिटी के विषय में, फाइनेंस की दुनिया में गिफ्ट सिटी एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभर रहा है। ये सिर्फ गुजरात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आन बान शान बन रहा है जी। साथियों, डिजिटल इंडिया भविष्य में भी भारत की नई अर्थव्यवस्था का ठोस आधार बने, इंडस्ट्री 4.0 में भारत को अग्रणी रखे, इसके लिए भी आज अनेक प्रकार के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। आज एआई, ब्लॉकचेन, एआर वीआर, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी, ऐसे अनेक न्यू एज इंडस्ट्रीज के लिए 100 से अधिक स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं देश भर में। हमारा प्रयास है कि विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर आने वाले 4-5 सालों में 14-15 लाख युवाओं को फ्यूचर स्किल्स के लिए रीस्किल
रीस्किल और अपस्किल किया जाए, उस दिशा में हमारा प्रयास है। इंडस्ट्री 4.0 के लिए जरूरी स्किल्स तैयार करने के लिए आज स्कूल के स्तर पर भी फोकस है। करीब 10,000 अटल टिंकरिंग लैब में आज 75 लाख से अधिक छात्र छात्राएं इनोवेटिव आइडियाज पर काम कर रहे हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी से रूबरू हो रहे हैं। अभी मैं यहां प्रदर्शनी देखने गया था, मेरे मन को इतना आनंद हुआ कि दूर सुदूर, कोई ओडिशा की बेटी है, कोई कोई त्रिपुरा की बेटी है, कोई उत्तर प्रदेश के कोई इंटीरियर गांव की बेटी है, वो अपनी प्रोडक्ट लेकर के आई है। 15 साल, 16 साल, 18 साल की बच्चियां दुनिया की समस्याओं का समाधान लेकर के आई है। आप जब उन बच्चियों से बात करोगे तो आपको लगेगा ये मेरे देश की ताकत है। दोस्तों, अटल टिंकरिंग लैब के कारण स्कूल के अंदर ये जो वातावरण बना है उसी का ये नतीजा है कि बच्चे बड़ी बात लेकर के, बड़ी समस्याओं के समाधान लेकर के आते हैं। एक प्रथमेश करके बच्चा मुझे मिला, वो देख नहीं पाता है, आयु बहुत छोटी है, 11 साल का होगा। मैंने उसको अपना परिचय पूछा, वो कहता है मैं तो ब्रांड एम्बेसडर हूं। यानी डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में हम जो इक्विपमेंट को लेकर के काम कर रहे हैं, मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर हूं। इतने कॉन्फिडेंस से वो बात कर रहा था। यानी ये सामर्थ्य जब देखते हैं तो विश्वास और मजबूत हो जाता है, ये देश सपने साकार करके रहेगा, संकल्प पूरे करके रहेगा। साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी माइंडसेट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क देश में तैयार किया जा रहा है। इसी प्रकार पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान यानी पीएम दिशा देश में डिजिटल सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने का एक अभियान चला रहा है। अभी तक इसके 40,000 से अधिक सेंटर देश भर में बन चुके हैं और 5 करोड़ से अधिक लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। साथियों, डिजिटल स्किल्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ टेक्नोलॉजी के सेक्टर में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर देने के लिए अनेक विविध दिशाओं में रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। स्पेस हो, मैपिंग हो, ड्रोन हो, गेमिंग और एनिमेशन हो, ऐसे अनेक सेक्टर जो फ्यूचर डिजिटल टेक को विस्तार देने वाले हैं, उनको इनोवेशन के लिए खोल दिया गया है। इनस्पेस, अब इनस्पेस का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में बना है। इनस्पेस और नई ड्रोन पॉलिसी जैसे प्रावधान आने वाले वर्षों में भारत के टेक पोटेंशियल को इस दशक में नई ऊर्जा देंगे। मैं जब यहां इनस्पेस के हेडक्वार्टर के उद्घाटन के लिए आया था पिछले महीने, तो कुछ बच्चों से मेरी बातचीत हुई, स्कूल के बच्चे थे। वे सैटेलाइट छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे वहां बताया गया कि हम आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त स्कूल के बच्चों द्वारा बनाए 75 सैटेलाइट आसमान में छोड़ने वाले, अंतरिक्ष में छोड़ने वाले हैं। ये मेरे देश की स्कूल की शिक्षा में हो रहा है। दोस्तों, साथियों, आज भारत अगले 3-4 साल में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को $300 बिलियन से भी ऊपर ले जाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। भारत चिप टेकर से चिप मेकर बनना चाहता है। सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए
भारत में तेजी से निवेश बढ़ रहा है, पीएलआई स्कीम से भी इसमें मदद मिल रही है, यानी मेक इन इंडिया की शक्ति और डिजिटल इंडिया की ताकत की डबल डोज भारत में इंडस्ट्री 4.0 को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है। आज का भारत उस दिशा की तरफ बढ़ रहा है जिसमें नागरिकों को योजनाओं के लाभ के लिए, दस्तावेजों के लिए सरकार के पास फिजिकल रूप में आने की जरूरत नहीं होगी। हर घर में पहुंचता इंटरनेट और भारत की क्षेत्रीय भाषाओं की विविधता भारत के डिजिटल इंडिया अभियान को नई गति देगी। डिजिटल इंडिया अभियान ऐसे ही नए नए आयाम खुद में जोड़ता चलेगा। डिजिटल स्पेस में ग्लोबल लीडरशिप को दिशा देगा। और मैं आज, समय मेरे पास कम था, मैं हर यूनिट को नहीं देख पाया, लेकिन शायद दो दिन भी कम पड़ जाए, इतनी सारी चीजें हैं वहां। और मैं गुजरात के लोगों से कहूंगा कि मौका मत छोड़िए, आप जरूर अपने स्कूल कॉलेज के बच्चों को वहां ले जाइए, आप भी समय निकाल के जाइए, एक नया हिंदुस्तान आपके आंखों के सामने दिखाई देगा और सामान्य मानवी के जीवन की जरूरतों से जुड़ा हुआ हिंदुस्तान दिखेगा, एक नया विश्वास पैदा होगा, नए संकल्प घड़े जाएंगे और आशा आकांक्षाओं की पूर्ति का विश्वास लेकर के डिजिटल इंडिया के माध्यम से भी देश, भविष्य का भारत, आधुनिक भारत, समृद्ध और सशक्त भारत, उस दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी की तरफ तेज गति से बढ़ रहा है। इतने कम समय में जो प्राप्त किया है, भारत के पास टैलेंट है, भारत के नौजवानों का सामर्थ्य है, उन्हें अवसर चाहिए। और आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की जनता पे भरोसा करती है, देश के नौजवान पे भरोसा करती है और उसको नए प्रयोग करने के लिए अवसर दे रही है। और उसी का परिणाम है कि देश अनेक दिशाओं में अभूतपूर्व ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। इस डिजिटल इंडिया वीक के लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले दो तीन दिन तो ये शायद प्रदर्शनी चालू रहेगी, उसका लाभ आप लोग लेंगे। फिर से एक बार मैं भारत सरकार के विभाग का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम की रचना की। मुझे आज, मैं सुबह तेलंगाना था, फिर आंध्र चला गया और फिर यहां आपके बीच आने का मुझे मौका मिला और अच्छा लगता है। आप सबका उत्साह देखता हूं, उमंग देखता हूं तो और आनंद आता है। तो इस कार्यक्रम को गुजरात में करने के लिए मैं डिपार्टमेंट को बधाई देता हूं और इतना शानदार कार्यक्रम करने के लिए अभिनंदन करता हूं। और देश भर के नौजवानों के लिए ये प्रेरणा बन के रहेगा, इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आप जो